नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच खेला जा रहा है उसके बारे में, और आपको बताएंगे यहां पर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच की स्थिति। मैच की स्थिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हाफ टाइम पूरा नहीं हुआ। हाफ टाइम अभी तक इसलिए नहीं पूरा हुआ है क्योंकि बारिश ने खलल डाली है। लगातार दूसरा मैच इस वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड से खेला गया इंडिया के द्वारा, और दोनों के दोनों मैच रेन के द्वारा धुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो धुला हुआ ही हो गया था और दूसरा अब धुल जाएगा। दूसरा इसलिए क्योंकि अभी तक करीबन एक घंटा हो चुका है, तब तक ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है तब तक की हम बात कर रहे हैं, अभी तक करीबन एक से डेढ़ घंटा हो चुका है और हमें कुछ हाथ नहीं लग रहा है। मैच में वही की वही बारिश सताई जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस बारिश के दौरान खेलना नामुमकिन सी बात है। और अगर ऐसा हो भी जाता है कि घंटे भर के बाद बारिश रुक जाए तो जो स्टेडियम होगा वो काफ़ी वेट हो जाएगा और इसकी वजह से खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ेगा और फिर से मैच को फिर से कराया जाएगा। अगर इंडिया इस मैच में 10 ओवर या 20 ओवर खेल लेती है तो शायद डीएलएस नियम लग जाए और इंडिया की रन रेट के हिसाब से, न्यूजीलैंड की रन रेट के हिसाब से इंडिया यह मैच जीत जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैच वापस होगा। यही एक स्थिति बनती है इस मैच में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस स्थिति तक, यानी कि मैच में बारिश आई है तब तक कि कैसा स्कोर देखने को मिला है न्यूजीलैंड द्वारा। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीती और पहले बैटिंग करने की फैसला लिया, यानी कि पहले बल्लेबाजी करेंगे और रन बनाएंगे। यह रन बनाने का सिलसिला हर मैच में चलता आ रहा, हर कोई टीम पहले बैटिंग चूज कर दी है क्योंकि उनको पता है कि बाद में बारिश अगर खलल डालती है तो डीएलएस नियम के तहत सामने वाली टीम अपनी औसत के साथ खेलती है। इसी वजह से डीएलएस नियम ज़्यादातर बैटिंग जो पहले करती है उनके हक में जाता है और वो टीम जीत जाती है, यही सोचकर हर टीम पहले बैटिंग का निर्णय लेती है। और इसी वजह से आज न्यूजीलैंड ने भी पहले बैटिंग का निर्णय लिया और उनके पास काफ़ी तगड़े प्लेयर भी है, लेकिन आज एक भी प्लेयर चला नहीं क्योंकि सामने इंडिया के बेस्ट बॉलर खड़े थे, जिनमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर खड़े। इनके सामने चलना नामुमकिन सी बात है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको स्कोर कार्ड दिखाएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले मैचेज के हाईलाइटेड पॉइंट्स सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके जानकारियां देंगे, यानी कि आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताएंगे। तो मार्किन कप्टिल मात्र एक रन बनाकर 14 गेंदों के अंतर वापस लौट जाते हैं। उनके बाद निकोलस आते हैं, निकोलस 51 गेंदें जरूर खेलते हैं लेकिन रन 28 बनाते हैं, यहीं से धीमी शुरुआत। उनके बाद कप्तान केन विलियमसन 95 गेंदें खेलते हैं और मात्र 67 रन बनाते हैं। बैटिंग इसलिए अच्छी कही जा सकती है क्योंकि थर्ड नंबर बैट्समैन है, इन्हें धीरे खेलना पड़ता है आगे स्कोर बढ़ाने के लिए, लेकिन जो काम टेलर को करना था वो कर नहीं पाए। 85 गेंद खेली और इनके द्वारा भी 67 रन। निशाम आए और चले गए, 12 रन बनाए 18 गेंदों में, और उनके बाद ग्रैंडहोम भी चले गए 10 गेंदे खेलकर 16 रन बनाकर। टॉम लाथन अभी भी पिच पर अभी भी बने हुए हैं। यह स्थिति अब नहीं चलेगी, स्कोर वही रहेगा और उससे कम भी ओवर किए जा सकते हैं, ओवरों का मैच कम किया जा सकता है, उस हिसाब से रन रेट जो अभी होगी करंट रन रेट उन हिसाब से रन निकाले जाएंगे और उस हिसाब से इंडिया को दिया जाएगा टारगेट। देखेंगे पूरे के पूरे मैच की हाईलाइटेड पॉइंट्स, अगर मैच हुआ ख़त्म तो ज़रूर देखेंगे, अगर मैच ख़त्म नहीं हुआ है तो इतना ही मैच चलेगा और फिर से मैच कराया जाएगा। बॉलर की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 8.1 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट झटका, जसप्रीत बुमराह ने 8 ओवर फेंके 25 रन देकर एक विकेट झटका, हार्दिक पांड्या ने 55 रन दिए 10 ओवरों में और एक विकेट झटका, रविंद्र जडेजा ने 10 ओवरों में 34 रन देकर एक विकेट लिया, वहीं युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट लिया। तो इस प्रकार से इंडिया की बॉलिंग, उससे पहले हमने बात कर ली न्यूजीलैंड की बैटिंग की। रेन के कारण अभी तो मैच रुका हुआ है, देखेंगे रेन अगर बंद हुई तो ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे फुल टाइम का भी। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।